हाय हाँ शोक सिर्फ इस बात किसकी शोक सभा? कि अतीक अहमद साहब किसकी शोक सभा? किसकी शोक सभा? हुई किसकी शोक सभा? दो जो पुलिस वाले मरे थे उनकी शोक सभा की नहीं, जो पुलिस वाले मरे थे उनकी शोक सभा करे। अतीक अहमद साहब की और उनके भाई की हत्या नहीं हुई, संविधान की हत्या हुई है। उस विश्वास की हत्या हुई है कि पुलिस की निगरानी में इंसान सुरक्षित होगा। उस चीज की हत्या हुई है कि देश कैसे हाथों में है कि टर्की की जिगैमी पिस्टल यहाँ आती है और कल अतीक साहब को मार दिया, उससे पहले सिद्धू मूसा वाले को मारा। तो शोक हम इसलिए मनाएं कि हमारा देश किन हाथों में है कि टर्की की पिस्टल आए दिन सुबह शाम आती है, मूंगफली की तरह बिटती है और लोग मरते जाते हैं। सुनिए माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी सुनिए, आप सवाल उठाइए तो सरकार पर, पुलिस पर, मैं सब स्वीकार करूंगा, लेकिन कम से कम अतीक अहमद को यहाँ बैठकर अतीक साहब मत कहिए। सजा याफ्ता मुजरिम था, माफिया था, सौ से ज्यादा अपराधी केस थे, सौ से ज्यादा अपराधी केस थे, लेकिन तो साहब मत कहिए, साहब आपके लिए होगा। अतीक अहमद उनके उल्लंघन में मारे गए हैं बेचारे, बेचारे हैं आज वो पक्का बेचारे हैं। माननीय अतीक अहमद साहब पर हूं जो सर मुकदमा, अरे होने देना, हम करते के बाद मुकदमे नहीं रहते मेरे भाई। संविधान का आदर्श को थोड़ा संविधान सीखो, बुलडोजर करके संविधान थोड़ा अभी सीखिए, संविधान थोड़ा अभी सीखिए। माजिद हैदरी और पढ़िए रिजवान भाई, सिर्फ इसलिए अतीक को साहब इसलिए कि मुस्लिम है। ऐसा है राकेश भाई, अगर शोक सभा करनी है ना तो सबसे पहले आओ चलो उन दो पुलिस वालों के लिए शोक सभा करें जिनको पीछे से बम मार के मारा गया। उनके तो इनको नाम भी नहीं पता होंगे कि कौन से पुलिस वाले मार गए, कौन सा नंगा नाम छोड़ा, कौन सी हुकूम की होली खोली गई, आज तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलू इलू शुरू कर दिया अतीक अहमद के साथ इन लोगों ने। अरे जो सिपाही मरे थे वो भी किसी माँ के लाल थे, वो भी किसी माँ के लाल थे। कहाँ है, कहाँ है सरकार? शोक मनाओ सरकार नहीं है, मातम मनाओ सरकार नहीं है, यूपी में सरकार नहीं है, मातम मनाओ सरकार है, सरकार ने बाल लोगों की सरकार है, सरकार ने सरकार है, हाय सरकार, हाय सरकार, हाय सरकार किधर है? माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, अगर राजूपाल मर्डर जब हुआ तभी आप हाय सरकार करते तो बहुत अच्छा होता। उमेश पाल शूटआउट केस में जो पुलिस वाले मारे गए उनके लिए भी हाय सरकार कर देते, उन पर आप नहीं बोलने जाते हैं, उन पर आप नहीं बोलने जाते हैं। लेकिन चूंकि अतीक अहमद मारा गया जो कि सजा याफ्ता मुजरिम था, जिससे कईयों के घर उजाड़े, कईयों की जमीन पर कब्जा किया, जिसकी दहशत के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, गाड़ी को ओवरटेक नहीं करते थे, उस पर आप रोना मातम मना रहे हैं। सरकार से सवाल पूछिए, ठीक है मैं उसके साथ हूं। आईपी सिंह, मनीष जी इसके बाद आता हूं। मनीष शुक्ला आप अपनी बात रखिए। आज इतना तो मान लीजिए कि आज लोकसभा में बैठे हैं कि हर चीज का जनाजा निकल रहा है देश में, कानून के विश्वास का जनाजा निकल रहा है। माजिद हैदरी हो गया सर, आपने अपनी बात रख ली, माजिद हैदरी आपने अपनी बात रख ली, हो गया आपका प्रोपेगेंडा, देश ने देख लिया, बार बार देखता है भाईचारा। मनीष शुक्ला मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरी घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, एजेंसी जांच कर रही है, और लेकिन जिस तरीके से चैनल पर बैठ के ये लोग मातम और जनाजा उठा रहे हैं उससे दिख रहा है कि आखिर इनका प्यार किससे है। अतीक अहमद को भी आईपी सिंह ने कहा कि मैं प्रयाग में पढ़ा हूँ, सही पढ़ा हूँ, मैं बता दू अशोक साहू की हत्या कैसे हो गई थी, मैं बताऊ उषा मौर्य 12 बीघे जमीन कैसे कब्जा हो गई, पति आज तक नहीं मिला, उस मासूम महिला और उसके बेटे के ऊपर गोली चली, चल रहा होगा खबरों में, देख रहे होंगे, कभी मातम मनाने गए। देखिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो मौत हुई है हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जो पीछे होगा उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर मातम मनाना है, अगर अगर कत्ल हुआ है, मरहूम का कत्ल हुआ है, तमाम लोग राजूपाल के लिए कहते हुए जंगल फर्क होता है, इनको शांत कराइए। और आईपी सिंह जी से मेरा मैं कहना चाहता हूँ कि राजूपाल की जब हत्या हुई उत्तर प्रदेश में तो किसका किसकी सरकार थी? उमेश पाल से जब जबरदस्ती एफिडेविट लिया गया तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? यही नहीं, तालिबान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्री आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी, तालिबान का समर्थन किसने किया था याद है? तालिबान का समर्थन शफीकुर रहमान बर्क ने किया था, इसको तो जानते ही होंगे,
आपके पार्टी के माननीय सदस्य, लोकसभा के सदस्य तो तालिबानों के साथ नग्नता से खड़े होते हैं आप। तालिबानी तालिबानी रूप से तालिबानी के तालिबानियों के लिए बयान देते हो आप। अतीक अहमद के लिए रोते हैं आप कभी। अरे भाई उमेश पाल की क्या गलती थी? पिछड़े वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है उमेश पाल, उसकी हत्या कराते हैं आप लोग। राजू पाल पिछड़े वर्ग से आता था, उसकी हत्या कराते हैं आप लोग। उषा मौर्य पिछड़े वर्ग से आती है, उसकी हत्या कराते हैं आप लोग। आप चले जाइए चकिया से लेकर सिविल लाइन के रास्ते पर, छोटे छोटे परिवारों के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीनें कब्जा की गई 2024 के बाद। अभी अभी वो देश में कोई अभी आईपी सिंह जी कह रहे थे कि मनीष जी आपसे अपेक्षा है कि बीच में नहीं बोलेंगे, मैं तो चुप हो गया। लेकिन वो जो आप हमको सीख दे रहे थे अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। तो तालिबानी केवल और केवल समाजवादी पार्टी है, उसके लोग समर्थक है। नहीं आईपी सिंह एक सवाल है, आईपी सिंह एक सवाल है जो गिरिराज सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। मनीष शुक्ला मैं आता हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से संबंध, आईएसआई से कनेक्शन की बात, पाकिस्तान से हथियार लेता था, दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करता था, उसके लिए